नमस्कार दोस्तों, बीपीएल राशन कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बीपीएल फैमिलीज के लिए, बीपीएल परिवार के लिए एक तरह से वरदान है बीपीएल राशन कार्ड। इस पे लाखों रुपए की स्कीम है वो मिलती है, लाखों रुपए का लाभ मिलता है बीपीएल परिवार को, कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको वन बाई वन करके टॉप थ्री जो स्कीम है बीपीएल राशन कार्ड की, टॉप थ्री स्कीम है, इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगा। क्या स्कीम है, कितना आपको लाभ मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने और कहां से आप आवेदन कर सकते हो, कंप्लीट आपको जानकारी बताऊंगा। आप कॉपी पेन लेके अपने पास बैठिए ताकि आप इन स्कीम बारे में डिटेल है वो नोट कर सको। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है आपको। अगर पूरा वीडियो वॉच करोगे तभी आपको जानकारी समझ में आएगी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहली स्कीम के बारे में। बीपीएल परिवार को सबसे पहले जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल फैमिली को 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है सरकार के द्वारा पक्का मकान बनाने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं पक्का मकान बनाने के लिए। इसकी कंडीशन ये है कि बीपीएल कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका मकान है वो कच्चा होना चाहिए। आपके पास अगर कच्चा मकान है, छत कच्ची है मकान की, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके स्टेट में जैसे भी जो सुविधा उपलब्ध है आप आवेदन कर सकते हो। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता है वो मिलेगी। इसमें अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, छत वगैरह पे लेंटर डाला हुआ है और फर्श वगैरह लगा हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। अगर कच्चा मकान है तो आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका बीपीएल राशन कार्ड, आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा देना है, इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड लगा देना है और इसके अलावा आपको मकान की फोटो और जो एप्लीकेंट है उसकी फोटो आपको लगा देनी है। इसके अलावा आप जाति प्रमाण पत्र है वो साथ में लगा दीजिए और बैंक अकाउंट है वो आपको साथ में लगा देना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, इसमें आवेदन करने के लिए ये जो योजना है वो पंचायत अधिकारी बीडीपीओ के पास इसका आवेदन होगा। आपको सरपंच की मदद से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो सरपंच की मदद से, या शहरी क्षेत्र से हो तो एमसी की मदद से, और ग्राम सहायक जो होता है उनकी मदद से आपको बीडीपीओ कार्यालय विजिट करना है। वहां पे जाके आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आवेदन होगा, इसके बारे में आपको वहां से पता करना है। अगर इसका आवेदन ऑफलाइन हो रहा है तो आपको फॉर्म वगैरह लेना है, वहां पे फिलअप करके डॉक्यूमेंट लगा के और कार्यालय में जमा करवा देना है। अगर इसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सीएससी सेंटर विजिट करना है। सीएससी सेंटर पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सीएससी सेंटर या ई मित्र केंद्र जो भी आपके राज्य में है सीएससी सेंटर पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। आवेदन करने के बाद आपको रसीद प्राप्त कर लेनी है। कई कैंडिडेट होते हैं जो आवेदन कर देते हैं लेकिन उनके पास रसीद वगैरह नहीं होती, बाद में वो फार्म को ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि हमारा फार्म कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। तो आप अगर मैनुअल आप आवेदन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो तो भी आपको रसीद लेनी है, ऑनलाइन कर रहे हो तो भी आपको रसीद ले लेनी है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना बीपीएल फैमिलीज के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इसमें मिलता है पक्का मकान बनाने के लिए। दूसरी जो स्कीम है बीपीएल परिवार की वो है स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना, इस योजना के तहत 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है घर में शौचालय व्यवस्था के लिए। अगर कोई बीपीएल फैमिली है उसके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है, टॉयलेट नहीं बना हुआ है, तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है उनको। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनको स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। कुछ केंद्र सरकार इसमें अमाउंट डालती है, कुछ इसमें स्टेट सरकार, टोटल आपको 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो वॉच करके घर से अपने एंड्रॉइड फोन से, मोबाइल से खुद ही आवेदन कर सकते हो। मैंने कंप्लीट जानकारी और वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए इसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे आपको बैंक की पासबुक वो स्कैन करके साथ में अपलोड करनी होती है। बैंक पासबुक के साथ साथ आपको आपका आधार कार्ड और आपकी फोटो और आपका रेजिडेंट प्रूफ है वो भी आपको साथ में डालना होता है, या फिर शौचालय वगैरह की फोटो है वो भी आपको साथ में अपलोड करनी होती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र है उनको sbm.gov.in इस साइट पे विजिट करना है, sbm.gov.in। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सेंट्रल सरकार की स्कीम है ये, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है जिसकी एनुअल इनकम कम है और जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर ऐसी फैमिली जो शौचालय बनाने में सक्षम नहीं है, शौचालय नहीं बना सकते, उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है या शौचालय बना हुआ है लेकिन वो टूट फूट हालत में है, यानी कि सही नहीं है शौचालय, तो आवेदन कर सकते हैं। सर्वे होने के बाद आपको 12,000 रुपए का अमाउंट है वो प्राप्त हो सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसके तहत आपको ये अमाउंट है वो मिलेगा। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ये हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से है। अलग अलग स्टेट में इसका नाम अलग अलग हो सकता है। बीपीएल परिवार को बीपीएल राशन कार्ड के आधार पे बेटी की शादी करने पे हरियाणा में 71,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। 71,000 रुपए की शगुन योजना दी जाती है हरियाणा में। आपके स्टेट में इसका अमाउंट अलग हो सकता है, स्कीम का नाम अलग हो सकता है, लेकिन बीपीएल राशन कार्ड पे बहुत सारे स्टेटों में लड़की की शादी करने पे शगुन योजना वो मिलती है। आपको इसके लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाना है, समाज कल्याण विभाग में विजिट करना है, वहां पे पता करना है कि आपके जो स्टेट है आपके स्टेट में ये किस नाम से स्कीम चलाई जाती है। आपको वहां पे जाकर के स्कीम के नाम का पता करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आवेदन करना है, उसके बारे में डिटेल में पता करना है। हरियाणा के लिए स्वच्छ हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। बीपीएल फैमिली के जो पेरेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि बेटी की शादी करेंगे तो लोन वगैरह उनको लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, कि सहायता कहां से मिलेगी। तो इस योजना के तहत बीपीएल फैमिली को समाज कल्याण विभाग के द्वारा 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता है वो शगुन योजना के शगुन के रूप में वो दी जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो तो आपको shaadi.edisha.gov.in जो विवाह पंजीकरण करने वाली साइट है वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन देना होता है। सबसे पहले लड़की की शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद आपको विवाह का पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण करवाते समय वहां पे आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो दे देना है, ठीक है। बीपीएल अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 71,000 रुपए मिलेंगे। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जरूरी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मैरिज रजिस्टर्ड होनी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ब्राइड और ग्रूम दोनों का आधार कार्ड और दोनों का जन्म प्रूफ आपको लगा देना है, बर्थ का प्रूफ लगा देना है। बर्थ प्रूफ में आप स्कूल के DMC या जन्म प्रमाण पत्र है वो आप साथ में संलग्न कर दीजिए। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड और उसका बैंक अकाउंट लगा देना है। कैटेगरी का आपकी जाति क्या है, जाति का सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा देना है, रेजिडेंट प्रूफ आपको लगा देना है और एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट है वो साथ में संलग्न कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, ये डॉक्यूमेंट लगा करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में, ठीक है। वीडियो वॉच करके आप खुद घर से ही आवेदन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हो। अगर कोई और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर के इसके बारे में पता कर लीजिए। तो ये तीनों स्कीम है, टॉप की 3 स्कीम्स है बीपीएल परिवार के लिए। बीपीएल कार्ड पे बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, अगर मैं सभी स्कीम के बारे में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अभी मैंने आपको टॉप की 3 स्कीम बताई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 से 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलता है मकान बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन योजना, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं। तीसरी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, स्टेट सरकार की स्कीम है ये और इसमें बीपीएल फैमिली को 71,000 रुपए मिलते हैं हरियाणा में। आपके स्टेट में कुछ और अमाउंट हो सकता है, अगर कोई आप हरियाणा से बाहर के स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके शहर में अलग हो सकता है। बीपीएल फैमिली को यह लाभ मिलता है बेटी की शादी पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। अगर आपको सभी बीपीएल स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी तो आप इनका लाभ ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर और कोई जानना है आपको इन स्कीम्स के बारे में, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आप कमेंट में लिखिए आपको क्या जानकारी चाहिए, हम पूरी सहायता करेंगे आपकी इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको जानकारी मिल सके। अगर सभी लोगों को स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी तो वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लाभ है वो प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सारी बीपीएल फैमिलीज होती है उनको पता ही नहीं होता कि क्या स्कीम है, कैसे आवेदन करना है और वो इनका लाभ है वो नहीं ले सकते। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।